हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की मछली। ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है, आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं अंडे, 2 मीडियम साइज प्याज लिए, इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए, हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, मेथी दाना 8 से 10 पीस। आइए चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम पहले डालते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है, अब हम इसमें प्याज में सारे मसाले मिला लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं पहले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इन सब मसालों को प्याज के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें मेथी दाना, ये सारा पेस्ट डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से गरम मसाला। अंडे अब इसमें हल्का सा नमक ऊपर से और डाल देंगे, गरम मसाला, गार्निश करेंगे हरा धनिया से। अब इसको 1-2 मिनट के लिए पकने रख देते हैं। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। देखिए बनकर ये रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। पहले हम इसके पीस कर लेंगे इस तरह। अगर आपको इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करना है तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरह आपको इसको पलट देना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए।